अलग अलग तरीके के सीरियसली यार कोई वॉच में आपने देखे इतने तरीके के वीडियो का भी ऑप्शन आया था वीडियो प्री सेव था तो आपको वीडियो चलाकर दिखाना तो हेलो गाइस वेलकम टू आशाल कैसे सारे आज आपके लेके आ चुका हूं एक नया मॉडल जो कि रहने वाला है डीटी नंबर 1 ब्रांड का और मॉडल का नेम रहने वाला है वॉच एक्स। ये रहने वाली है मास्टर कॉपी एज क्लेम्ड बाय डीटी नंबर 1 एप्पल वॉच सीरीज 10 की। सिमिलरली कुछ ऐसे दिखने वाली है जो मेरे हाथ में है, ये रहने वाला ब्लैक कलर। तीन कलर इसमें आते हैं गोल्ड ब्लैक एंड सिल्वर। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, स्पेसिफिकेशन पहले जान लेते हैं क्या क्या रहने वाली है इसमें। सबसे पहले आ जाती है एमोलेड डिस्प्ले, लार्ज मेमोरी रहती है, 32 GB की स्टोरेज रहने वाली है, TWS कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको फोटो एल्बम का ऑप्शन मिल जाता है और लोकल म्यूजिक का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर स्टील वन पीस बॉडी रहने वाली है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा क्या क्या बेहतरीन फीचर दे रखे यार, एक नंबर वॉच रहने वाली है। फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसे कोई मॉडल देखा होगा जो यार सारे जितने भी फीचर आते हैं सारे इसमें डाल दिए और प्राइस आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, इतने कम प्राइस में इतने सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो QR कोड स्कैन करके इसकी एप्लीकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बॉक्स का डिजाइन देख सकते हो कितना प्रीमियम रहने वाला है। जो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की अगर आप रेटिंग देखोगे ना 4.9 रेटिंग है, मुझे लग रहा है एप्पल वॉच की जो एप्लीकेशन है उससे ज़्यादा रेटिंग इसकी एप्लीकेशन की, इतनी स्मूथ वर्क करती है। iOS के साथ एंड्रॉइड के साथ दोनों के साथ वर्किंग रहने वाली है और एक नंबर क्वालिटी रहने वाली है वॉच की। उसके साथ आप ब्रांड तो जानते हो यार, डीटी नंबर 1 इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड्स आउट देयर। अगर आप क्लोन ले लो, कुछ भी ले लो, डीटी नंबर 1 हर चीज़ में अपना बेस्ट देता है। अगर मैं मैनुअल पे आ जाऊँ, सिंपल सोबर मैनुअल रहने वाली है, इंग्लिश चाइनीज दोनों में रहने वाली है तो इसका हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे चार्जर की स्पेशलिटी थे आपको अगर मैं दिखा दूँ तो इसमें आप देख सकते हो ये है तो वायरलेस लेकिन यहाँ पे इसमें 3 पिन आती है, ये आप अपने कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये फ़ोन है तो फ़ोन में इधर एक केबल लगती है और आप एक लैपटॉप में केबल लगती है तो इसी में सिमिलरली आप इधर एक केबल लगा सकते हो, इसके साथ आप ये वाले जो USB केबल है लैपटॉप में लगा सकते हो, कंप्यूटर में लगा सकते हो और इसमें आप गाने ऐड कर सकते हो, अपनी वीडियो ऐड कर सकते हो, आप अपनी इसमें फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हो। तो इतनी ज़्यादा आपको सुविधाएँ मिल रही हैं और क्या चाहिए। 8-8 तरीके की यार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लोग एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं दे पा रहे वॉच में, इसमें 8 अलग अलग तरीके की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हैं भाई। मैं तो फीचर जब इसके आए तो मैं हैरान रह गया यार, ऐसी भी कोई वॉच हो सकती है। सबसे पहले तो इसके अगर मैं लुक एंड फील की बात करूँ तो अभी वॉच को हम कर देते हैं बंद। देख सकते हो प्रॉपर AMOLED डिस्प्ले रहने वाली है, H2A डिस्प्ले है और वन स्टील प्रॉपर बॉडी रहने वाली है। वन स्टील बॉडी का मतलब क्या रहता है ये देख सकते हो, प्रॉपर ये पूरा पार्ट एक ही है, ये और ये प्रॉपर पूरा एक ही पार्ट है, अलग अलग पार्ट नहीं है, यहाँ से डाइसेक्शंस नहीं है इसके, प्रॉपर एक ही स्टील बॉडी रहने वाली है। उसके साथ जो सेंसर्स हैं सबसे खास बात यार, देखो कोई स्मार्ट वॉच लेता है बेसिकली रनिंग फिटनेस उसके लिए लेता है, 100% ओरिजिनल सेंसर्स हैं। सेंसर्स की पहचान कहाँ से होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको यहाँ पे सेंसर्स दिख रहे होंगे, 2 एरा 1 एरा 1 एरा 1 एरा, तो इससे सेंसर्स की पहचान हो जाती है। पीछे आप बॉडी देख सकते हो, प्रॉपर आपकी ऐसा लग रहा है टाइटेनियम बॉडी रहने वाली है, प्रॉपर मेटालिक फिनिशिंग में रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्ट्रैप लॉक्स आ जाते हैं सेम जैसे ओरिजिनल में आते हैं। उसके बाद अगर मैं इसे ऑन करूँ तो गाइस वॉच कर दिया मैंने बूट, देख सकते हो यहाँ पे हेलो लिखा आ गया, ठीक है। बॉडी आप देख सकते हो सबसे प्रीमियम रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं इसमें वॉलपेपर दिखा दूँ तो अलग अलग कलर्स के वॉलपेपर रहने वाले हैं। अभी इसकी पहले ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मैं, ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद उसके बाद बात करते हैं क्योंकि ब्राइटनेस अभी इसकी और रखी है कम, इसलिए आपको थोड़ा विजुअली थोड़ा इशू आ रहा होगा। इसकी कर देते हैं हम ब्राइटनेस, यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर ब्राइटनेस में जाकर फुल कर देते हैं ब्राइटनेस। तो गाइस सबसे पहले वॉलपेपर्स पे आ जाते हैं, कलर चेंजिंग सारे के सारे जो भी वॉलपेपर्स हैं वो प्रॉपर कलर चेंजिंग वॉलपेपर्स रहने वाले हैं। आपका प्रॉपर ये रोटेट होगा, रोटेट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो वॉलपेपर्स चेंज होंगे अलग अलग, सारे के सारे मल्टीपल लाइव वॉलपेपर्स रहने वाले हैं ये देखो, ठीक है। सिंगल टैप करने पर आपके ये सब अलग अलग हो जाएंगे, इसमें नहीं होगा। अगर मैं नेक्स्ट वॉलपेपर करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कलर चेंज हो रहे हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपका एक ब्लैक कलर का ऑप्शन आ जाता है। काफ़ी सारे वॉलपेपर्स रहने वाले हैं, इसके साथ साथ आप इसे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो वॉलपेपर्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ याले वॉलपेपर की तो मुझे पर्सनल जो फेवरेट लगा याला वॉलपेपर लगा ये वाला, देखो इसमें अगर मैं एक बार टैप करूँगा तो ये देखो लाइव वॉलपेपर बन जाता है एक बार टैप करने पर। तो गाइस अगर मैं राइट स्वाइप करता हूँ, राइट स्वाइप करके आप देख सकते हो अलग अलग इसमें आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे हार्ट रेट का ऑप्शन आ जाएगा, 100% वर्किंग रहने वाला है। देखो मैंने पीछे हाथ नहीं लगा रखा तो इसमें दिखा दिया इसने। नेक्स्ट आपको वेदर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा, ये अभी मैं मेन्यू स्टाइल में जाऊँगा तब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन दिखाऊँ यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड यहाँ पे अलग अलग आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे आपका हो गया ब्लड ऑक्सीजन मीटर हो गया, उसके बाद सीरी का ऑप्शन हो गया, स्लीप डिटेक्शन वाला ऑप्शन हो गया, कॉल का ऑप्शन हो गया,
तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसे प्रेस रखूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या चीज़ रिमूव करनी है, क्या चीज़ ऐड करनी है, उसका भी इसमें ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं नीचे से ऊपर का स्वाइप करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन, जैसे वॉच ओएस 10 में रहता है सिमिलरली वैसे ऑप्शन रहने वाले, हार्ट रेट का ऑप्शन रहने वाला है, यहाँ पे आपका आपका वेदर का ऑप्शन आ गया, अलार्म क्लॉक का आ गया, यहाँ पे म्यूज़िक का आ गया, और यहाँ पे शॉर्ट मेन्यू आ गया प्रॉपर। अगर मैं ऊपर से नीचे करूँगा तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। अगर मैं ये राइट वाला बटन दबाऊंगा तो यहाँ से आपका देखो यहाँ पे प्रॉपर आपका ऊपर नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। नोटिफिकेशन पैनल में जो जो सेटिंग्स रहती हैं यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, ऐड कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पे टॉर्च ऑप्शन हो गया, और ये सारे जो ब्राइटनेस ब्राइटनेस वाले आप ऑप्शन ऐड कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। गाइस आप इसके हाईलाइटेड फीचर्स पे आ जाते हैं, जो जो इसमें हाईलाइटेड फीचर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके एनिमेशन देख सकते हो, 60Hz की रिफ्रेश रेट रहने वाली है, उसके साथ साथ 100% AMOLED डिस्प्ले वॉच आ जाती है, देख सकते हो प्रॉपर ब्लैक्स रहने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके जो मेन फीचर्स हैं उन पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है TWS कनेक्ट, अगर मैं इसमें यहाँ पे जाऊँगा सेटिंग में आप देख सकते हो तीन ऑप्शन रहने वाले हैं। लोकल मोड में जो इसमें पहले से स्टोर्ड है आपके इसमें प्ले होंगे वॉच में, बहुत ज़्यादा क्रिस्प आवाज़ रहने वाली है, बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ रहने वाली है, आप सुन सकते हो क्रिस्प आवाज़ है और प्रॉपर लाउड आवाज़ रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से हेडफोन में भी चेंज कर सकता हूँ। प्रॉपर TWS कनेक्ट आ जाता है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज आ जाती है, जिसमें आप अपना म्यूज़िक चला सकते हो, आप अपना TWS कनेक्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ आप अपना क्या कहते हैं वीडियो चला सकते हो, वीडियो सेव कर सकते हो, फोटो सेव कर सकते हो, तो इतने सारे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं इसके अंदर। तो गाइस सिमिलरली जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फोटोज पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपकी फोटोज़ का ऑप्शन आ जाएगा, अलग अलग फोटो सेव ना, प्रॉपर AMOLED डिस्प्ले तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। सिमिलरली वीडियो क्वालिटी देखो भाई, लाउडनेस देख सकते हो आवाज़ की। ठीक है, एक नहीं दो वीडियोस में सेव नहीं है, देखो क्लैरिटी देखो, प्रॉपर AMOLED डिस्प्ले इसी से पता चल जाती है यार, क्लैरिटी देखो आप वीडियो की, एक एक डिटेल एक एक चीज़ सारी क्लियरली दिख रही है। हो सकता है ये वीडियो कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा ढंग से, लेकिन भाई जो आप रियल में देखोगे भाई मज़ा आ जाएगा आपको। एक तो कर्व डिस्प्ले है, ऊपर से जो डिस्प्ले क्वालिटी साउंड क्वालिटी भाई बिल्कुल ओरिजिनल की टक्कर की इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और साउंड क्वालिटी रहने वाली है, सही में आप फील करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपका टॉर्च का सिंपल ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद NYC, उसके बाद अलार्म का ऑप्शन आ जाता है, अलार्म अपने हिसाब से, स्टॉप वॉच का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कंपास का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से अगर मैं ये कर लूँ तो देख सकते हो प्रॉपर कंपास फंक्शनल रहने वाला है। उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ जाता है, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ जाता है, सॉरी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। 32 इंटरनल स्टोरेज है इसमें 32GB की, तो उससे आप वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 5-6 आपको गेम्स मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन मिल जाएगा, ये सीरी का ऑप्शन आ गया, और ये आपका ब्रीथ का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ गया, कॉलिंग का ऑप्शन आ गया, यहाँ से कॉल पिकअप डायल कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन रहता है कि भैया इसमें नाम आता है कॉलिंग पे नहीं आता, बिल्कुल इसमें आपका नाम शो करेगा, जब कॉलिंग आएगा जो नाम से सेव्ड होगा कॉन्टैक्ट वही शो करेगा। यहाँ पे वेदर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे TWS मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया है। सेंसर इसके सारे ओरिजिनल रहने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो BP का सेंसर रहने वाला है, ये भी ओरिजिनल रहने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन मीटर का हो गया, और यहाँ पे हार्ट रेट ऑप्शन हो गया, तीन ऑप्शन इसमें तीन सेंसर आते हैं, एक BP का रहने वाला है, एक ऑक्सीजन रहने वाला है, और एक आपका हार्ट रेट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका डेली फिटनेस वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स हिस्ट्री आ जाएगी। अब जो मेन चीज़ रहने वाली है सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में डिस्प्ले में आप यहाँ पे देख सकते हो क्लॉक का ऑप्शन है, ब्राइटनेस का ऑप्शन है, आइडल क्लॉक का ऑप्शन है। आइडल क्लॉक में क्या है कि अलग अलग तरीके के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाते हैं, देखो अलग अलग तरीके के, सीरियसली यार कोई वॉच में आपने देखे इतने तरीके के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये देखो अलग अलग तरीके के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अगर मैं ये लगा दूँ तो जैसे ऑफ होगा ये अलग डिस्प्ले आ जाएगा, ये आपको बाद में दिखाऊंगा, जैसे मैंने सेव कर दिया है। स्क्रीन ऑफ में देख सकते हो, स्क्रीन ऑफ में अनलिमिटेड टाइम रहने वाला है, ऑलवेज ऑन में अनलिमिटेड टाइम रहे, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कितने बजे चलनी है कितने बजे बंद होनी है। वॉलपेपर सेट कर सकते हो, वॉलपेपर किस चीज़ का सेट कर सकते हो, वॉलपेपर आप सेट कर सकते हो अपने जो मेन्यू स्टाइल है उसके बैकग्राउंड का, जैसे मेन्यू स्टाइल है इसके बैकग्राउंड का आप वॉलपेपर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ ब्लैक पर, तो ये ब्लैक हो जाएगा सिंपल। उसके बाद मैं सेटिंग में और ऑप्शंस अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वॉल्यूम वाइब्रेशन का ऑप्शन देख सकते हो, अपने हिसाब से स्ट्रेंथ एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने 3 पे कर दिया तो काफ़ी अच्छी इसकी क्या कहते हैं वाइब्रेशन रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे सेट लैंग्वेज देख सकते हो, लैंग्वेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। UI इफेक्ट है, UI इफेक्ट में क्या है, जैसे क्यूब का ऑप्शन है, यहाँ से मैं यूँ करूँगा तो ये देखो
एनिमेशन देखो यार, क्या मजेदार, बिल्कुल यार, मतलब मक्खन चीज है यार, मजेदार, एक नंबर चीज है। मैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी ये वॉच लेने वाला हूँ, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे लगी इसकी। यहाँ पे यूआई इफेक्ट मैंने आपको दिखा दिया, व्यू मोशन का अगर मैं दिखाऊं तो दो इसमें आ जाएंगे, सिमिलरली जैसे आईफोन वाली वॉचेज में रहते हैं, एप्पल वॉच में रहते हैं, सेम दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सेट टाइम में अगर मैं टाइम सेट करना चाहूँ, यहाँ पे आपका पासवर्ड लॉक वाला सिस्टम आ जाएगा, स्विच वीडियो, बूट वीडियो और ये सब। यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड आ गया, पावर सेविंग मोड आ गया। यूएसबी मोड में क्या है, यूएसबी मोड में वही आपको मैंने फंक्शन बताया, यहाँ पे आप चार्जिंग केबल पीछे की तरफ लगाओगे तो पिन वाली चार्जिंग आती है, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट हो जाएगी, ये देखो चिपक गई। उसके बाद यहाँ से आप ये अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लगा के इसमें वीडियो डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो, जो आपका मन करे गाने डाल सकते हो। अब यहाँ पे सिस्टम आ गया, ये सब आपका स्विच ऑफ वाला स्विच ऑन वाला सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं सर इसकी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन में दिखा के आपको फिर एंडिंग में प्राइसिंग डिस्क्लोज करते हैं। प्राइसिंग ऐसी दे दूंगा, मज़ेदार प्राइसिंग रहने वाली है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम रहने वाली है, थोड़े बहुत गिफ्ट्स इसके साथ रहने वाले हैं, तो एंडिंग तक बने रहना, वीडियो देखना प्रॉपर। तो गाइस देख सकते हो 4.7 रेटिंग रहने वाली एप्लीकेशन, कोई पहली मैंने चाइनीज एप्लीकेशन देखी होगी जिसकी इतनी रेटिंग रहने वाली 4.7, क्योंकि भाई ये चाइना में जो वॉच है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। DT नंबर वन, अगर आपको पता नहीं होगा तो DT नंबर वन इज़ मोस्ट पॉपुलर वॉच इन चाइना। अगर स्मार्ट वॉच ब्रांड में जैसे यहाँ पे बोट है, वहाँ पे DT नंबर वन चलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फीचर सारी चीज़ें, मैं अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट से। हम ओपन कर लेते हैं एप्लीकेशन को, वॉच कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे कनेक्ट होने वाली है। एग्री कर देते हैं सारी चीज़ों पर, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना गूगल से कनेक्ट करके आपको फटाफट से दिखाता हूँ। बस इतने वो वॉच कनेक्ट कर रही है, मैं आपको एक बार सिल्वर कलर दिखा दूँ। सिल्वर कलर देख सकते हो ऐसा कुछ रहने वाला है, सिल्वर कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे मैं बूट करके आपको दिखाता हूँ वॉलपेपर्स के साथ कैसा लगता है। इसमें मैंने स्ट्रैप लगा दिया, सिमिलरली मैंने ब्लैक कलर में भी स्ट्रैप लगा दिया, देख सकते हो आप दोनों वॉचेस साइड बाय साइड क्या लुक दे रही हैं। सिमिलरली कुछ ऐसी आपकी जो सीरीज 10 आएगी अभी 10-15 दिन में, सिमिलरली ऐसी कुछ रहने वाली है। तो गाइस वॉच अभी मैंने कनेक्ट कर दिया अपनी एप्लीकेशन से, देख सकते हो ऐसी कुछ एप्लीकेशन का लुक रहने वाला है। एप्लीकेशन में आपको सबसे मेन चीज़ कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे वॉच फेसेस के काफ़ी सारे फ्री ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये देख सकते हो अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग स्टाइल के आपको फ्री वॉच फेसेस मिल जाते हैं। इनकमिंग कॉल को यहाँ पे अनेबल डिसेनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिमिलरली SMS का मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन में देख सकते हो, ऐप एप्लीकेशन में देख सकते हो अलग अलग चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसका नोटिफिकेशन आना चाहिए किसका नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे आपका ड्रिंक रिमाइंडर लगा सकते हो, ठीक है। ट्रांसफ़र इमेजेस का ऑप्शन में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैं इमेज ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, टेक फ़ोटो, और जैसे मैंने ये फ़ोटो ली है, और यूज़ फ़ोटो अगर मैं इसमें सीधा वॉच में ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो फिनिश करके मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। देखो सिंक टू वॉच कर दिया मैंने, अभी सिमिलरली ये वॉच में मेरी आ जाएगी फ़ोटो विद इन मेरे ख्याल 10-15 सेकंड आपकी ये फ़ोटो वॉच में पहुंच जाएगी। वॉच में आपको ओपन कहाँ से करना है, यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन है, ये लो फोटो आ गई, फ़ोटो क्लैरिटी देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा दूँ तो यहाँ पे आप फाइंड माई वॉच कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर लाउड आवाज़ करती है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट यूज में क्या होता है ऑप्शन कि यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट सिंक कर सकते हो, जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सीधा सिंक में आपके सीधे वॉच पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ब्लूटूथ कॉल पे अगर आ जाऊँ, ब्लूटूथ कॉल में आप यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूटूथ कॉलिंग का यहाँ से आपको ऑप्शन है, प्रॉपर आपको गाइड करेगा कैसे कनेक्ट करना है, कैसे चीज़ करनी है, ठीक है। कॉल रिकॉर्ड ऑप्शन आ गया, कॉल रिकॉर्ड में भी आप देख सकते हो सिंक्रनाइज योर एड्रेस बुक, NFC मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें कार्ड डिटेल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। टिल टू वेकअप का ऑप्शन आ जाएगा, हार्ट रेट आ जाएगा, यहाँ पे आप फर्मवेयर अपडेट भी कर सकते हो अपनी वॉच का, ठीक है। सिंपल मैं बेसिकली कहना चाहूँगा सिंपल आपकी एप्लीकेशन रहने, ज़्यादा हाईफाई एप्लीकेशन नहीं रहने वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी चीज़ें स्टेप काउंटिंग और ये सारी चीज़ें, हेल्थ वाली फंक्शन जो अपनी सिंपल रहता है वो सारी चीज़ें रहती हैं। गोल सेटिंग हो गया, यूनिट सेटिंग हो गया, फर्मवेयर अपडेट हो गया, स्पेशल चीज़ आपकी रहने वाली है यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट आपको यहीं से मिल जाएगा। जो भी आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ पूछनी है और वॉच के रिलेटेड पूछनी है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट से पूछ सकते हो, ठीक है। दोनों कलर मैंने आपको दिखा दिए, एक सिल्वर रहने वाला है, एक ब्लैक कलर रहने वाला है। गोल्ड अभी मेरे पास है नहीं तो गोल्ड में दिखा नहीं पाऊंगा। एक और स्पेशल ऑप्शन है, अगर मैं इस पर हाथ रख दूंगा तो ये चीज़ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। जैसे ऑन है, जैसे मैंने हाथ रखा और ये देखो यालो ऑप्शन भी इसके अंदर रहने वाला है। बेसिकली जो भी घड़ी में भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, इतने रेंज में आना चाहिए, सब कुछ ही कंपनी ने दे दिया है। तो जिस किसी को बाय करना है बाय कर सकता है। इसके साथ मैं दो गिफ्ट देने वाला हूँ, एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप दूंगा अपनी साइड से और एक टेम्पर्ड एब्सोल्युटली फ्री देने वाला हूँ।
दो चीज इसके साथ फ्री रहने वाली है। कॉस्टिंग जो रहने वाली है फ्लैट रेट भाई 2800 रुपये। आप सोचोगे 5000-6000 रुपये बोलेगा, लेकिन नहीं, फ्लैट रेट 2800 रुपीज़ में आपको ये वॉचेस मिल जाएंगे। लिमिटेड स्टॉक रहने वाला है, जिस किसी ने बाय करना है बाय कर सकता है फटाफट से। वेट किसी की मत करना भाई, कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, आ जाएगा, कल आएगा। ये स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड है, और एज बॉक्स में मैंशन है 10th एनिवर्सरी एडिशन है, तो इसीलिए DT नंबर 1 वालों ने कुछ भी नहीं देखा, सारे फीचर जितने आते थे सब कुछ डाल दिए। 10th एनिवर्सरी एडिशन है, लिमिटेड स्टॉक है, जिस किसी ने बाय करना है फटाफट बाय कर सकता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, प्रीपेड COD दोनों अवेलेबल है। थैंक यू।